डिफ्यूजन प्लांट डिफ्यूज क्यों करते हैं या फिर व्हाट इज डिफ्यूजन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईसीएसई बहुत बार ही व्हाट इज डिफ्यूजन क्वेश्चन आया था। कितने मिलने वाला है, साढ़े बात मेरे को जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करता हूँ जितने लोगों का कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ उसका रिप्लाई भी मैं करता हूँ, ठीक है। तो यार मेरे हाथ में ये कागज है, अगर आप देख पा रहे हो इधर मैं सारे चीज लिख के आपको बताया, जैसे कि मैं हर वीडियोस में आपको बताता हूँ कि लास्ट मिनट सजेशंस क्या है या फिर क्या क्या चीज मैं आपको लगता है कि आ सकता है, एंड इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पढ़ना चाहिए मैं सारे बात आपको बताऊंगा। तो मेरे हाथ में एक पेपर है, मैं ये बट सब कुछ मोरलेस लिखा है, मोरलेस बोल सकते हो, मैं इसके लिए आपको बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर देखना अगर आप एक आईसीएसई स्टूडेंट हो, ठीक है। फिर फर्स्ट चीज हम लोगों को आता है बायोलॉजी में, हम लोगों का सेक्शन में दो पेपर में, मतलब कि पेपर में दो सेक्शन रहता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आप लोगों को सारे चीज कॉम्पल्सरी रहता है क्योंकि हम लोगों को सारे चीज ही करना पड़ता है, ठीक है। सेक्शन ए में सारे चीज कॉम्पल्सरी रहता है एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे बुक यू हैव टू रीड द फुल बुक, अदरवाइज यू नॉट एबल टू आंसर द फुल क्वेश्चन, ठीक है। तो यू हैव टू रीड द फुल बुक क्योंकि अगर आप फुल बुक नहीं पढ़ते हो तो सारे क्वेश्चन जो भी सारे चीज आप सारे जो सवालों का जवाब नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए यार बुक्स तो अच्छे से पढ़ना ही है, बट कौन कौन पार्ट्स या फिर कौन कौन चीज इंपॉर्टेंट है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ऑल्दो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोल, तो भाई बायोलॉजी में कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, बायोलॉजी में कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, हर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज किसी भी चैप्टर्स में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, अगर वो क्वेश्चन आप मिस कर गए तो यार आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं ऐसे टिप्स दे रहा हूँ कि आप 75 एबव इजीली स्कोर पाओगे आउट ऑफ 80, ठीक है। बायोलॉजी बहुत ही आसान है, अमेरिकन से पेपर भी बहुत ही ईजी आएगा बायोलॉजी। तो ये फर्स्ट ईयर तक इसीलिए सेक्शन में ए में तो फुल रहेगा, आपको कंपलसरी पार्ट है तो आपको सारी चीज करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से सेक्शन ए करो। एंड सेक्शन बी में आउट ऑफ 6 क्वेश्चन तुम लोगों को किसी भी 4 सेट करना पड़ेगा, जिस कॉन्सिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, आप लोग जानते हो। तो ये फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन जो चैप्टर है, उधर से इंपॉर्टेंट क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या क्या आता है, माइटोसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये 4 फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द डायग्राम। हालांकि मैं डायग्राम के अलग सा वीडियो बना दूंगा जिधर मैं आप लोगों को बोलूंगा क्या क्या डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं और एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। ऑल्दो यार ये तो मेरा घर नहीं है क्योंकि मैं अभी मेरा घर से बहुत दूर हूँ, तो ये आप देख ही सकते हो कि ये सब कुछ अलग जगह है। तो फिल्म में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ यार, वीडियो तो आप लोगों के लिए आना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को वादा किया था कि मैं वीडियो लाऊंगा तो इसलिए वीडियो तो लाना ही पड़ेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो माइटोसिस सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा आता है, ये हो गया। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल एंड माइटोसिस इन प्लांट्स, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल एंड माइटोसिस बिटवीन प्लांट्स, अगर आप देख पा रहे हो, एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, अगर आप थोड़ा जूम इन करके दिखाए तो मेरे का सब देख पा रहे हो। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है एंड इस चैप्टर से आपको ये सारी चीज करना पड़ेगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिधर से आपको सारे चैप्टर्स का समरी मिल जाएगा, और वो एक वेदांतु का एक कोट है तो मैं आपको दे दूंगा, वो समरी आप जाकर से क्लिक करना पड़ेगा और आपको चैप्टर वाइज समरी मिल जाएगा पर्टिकुलरली उस वेबसाइट से, ठीक है। तो आप जरूर चेक करिए क्योंकि बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे पार्ट या फिर समरी या फिर चैप्टर समराइज करके उस पर्टिकुलर चीज में दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद चैप्टर क्या आता है, इसके बाद चैप्टर आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स में फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, नंबर 2 हेरिडिटी, नंबर 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार आईसीएसई आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस से क्वेश्चंस करता है या फिर कर चुके हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद आप लोगों का इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ या फिर ये चारों लॉ मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये तीनों लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीएसई बहुत बार इन लॉस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस कर चुके हैं, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स देखोगे तो उधर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा लास्ट 10 ईयर्स में, ये हो गया। इसके बाद आपको हो गया कि क्या क्या डिफरेंस करना है, डोमिनेंस कैरेक्टर इज कैरेक्टर मतलब कि यार हेट्रोजेनियस, इसके बाद फेनोटाइप जीनोटाइप, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि फेनोटाइप जीनोटाइप के क्वेश्चंस तो आता है, आप देख सकते हो कि डेफिनेशन बहुत बार आईसीएसई पूछ सकता है, ठीक है, आईसीएसई बहुत बार ये जीनोटाइप फेनोटाइप चीज पूछा था, ये हो गया। इसके बाद यार मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस म्यूटेशन, म्यूटेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि म्यूटेशन अब तो आईसीसी में यार लास्ट ईयर आया था म्यूटेशन के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे चीज या फिर सारे चीज अगर आप ये नोट देख पा रहे हो, ये सारे चीज मैंने ऑलरेडी यार
पोस्ट कर देता हूँ या फिर मैं पोस्ट कर देता हूँ इंस्टाग्राम में। अगर आपने अभी तक जाकर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो इंस्टाग्राम में, उधर से आपको सारे चीज आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आईसीएसई आईसीबीएस चीजें या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो लास्ट मिनट में मैं उधर दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यार जो और एक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जेनेटिक्स की, यार आपको जो प्यूनेट बॉक्स बनाना पड़ता है 16 स्क्वायर का बॉक्स की, प्यूनेट बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्यूनेट बॉक्स से या फिर बहुत सारे कुछ आपको जो बॉक्स बना के करना पड़ता है ना, या 16 बॉक्स बना के, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बहुत वो भी कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका जेनेटिक्स से। नंबर 3 चैप्टर आपका है, या फिर जो नंबर 3 चैप्टर है कि एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर से आपका ऑस्मोसिस या फिर बहुत सारे डिफिनेशन, देखो ये मेनली एक डिफिनेशन बेस्ड चैप्टर है, आपको थोड़ा चीज समझना पड़ता है कि क्यों प्लांट ऑस्मोसिस करते हैं या फिर ऑस्मोसिस का बेनिफिट्स क्या है। उसके बाद डिफ्यूजन से बहुत सारी चीजें मैं आपको बोलूंगा, सिर्फ पर्टिकुलर ये टॉपिक एंड डेफिनेशंस पढ़ लो, इसके ऊपर से आईसीएसई ज्यादातर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज कर लो। तो ये एब्जॉर्प्शन, ये नंबर 1 चीज है। नंबर 2 है फैक्टर्स इफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्या क्या फैक्टर्स चेक दैट इज विच इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये भी करना पड़ेगा। नंबर 3 आपका है कि डिफ्यूजन, नंबर 3 डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन प्लांट डिफ्यूज क्यों करते हैं या फिर व्हाट इज डिफ्यूजन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईसीसी बहुत बार ही व्हाट इज डिफ्यूजन क्वेश्चन आया था आईसीसी में, व्हाट इज ऑस्मोसिस आप तो जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। नंबर 3, नंबर 4 है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंट क्या है या फिर प्लांट क्यों डिफ्यूज करते हैं या फिर प्लांट मतलब क्या डिफ्यूजन क्यों होता है द रेट ऑफ चेंज, आपको डिफ्यूजन आप लोग जानते हो, मैं तो थोड़ा भूल गया क्योंकि मेरे साथ 2 साल चला गया, तो आप लोग ये चीज जानते हो तो आप अच्छे से करना व्हाट इज इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन। नंबर 3 यार है ऑस्मोसिस, यार ऑस्मोसिस आपको क्लास 12 तक भी लगेगा। ठीक है, ऑस्मोसिस इतना इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बायोलॉजी लेकर पढ़ते हो तो आप तो लगेगा ही, एंड अगर आपको केमिस्ट्री भी आता है या अगर आप साइंस लेकर पढ़ते हो तो आपको ऑस्मोसिस लगेगा। व्हाट इज ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। देखो मेरे को भी अभी तक ये चीज याद है, देखो ऑस्मोसिस सबको याद रहता है। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है सबको रहता ही है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट्स जानते हो। इसके बाद 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, में ये तीनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों सॉल्यूशंस का डेफिनेशन पढ़ लो क्या इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। इसके बाद इनवर्ड डिफ्यूजन एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन क्या है, इसके बाद व्हाट इज टर्जिडिटी या फिर टारगेट प्रेशर किसको हम कहते हैं, या सारे चीज लिखा है, अगर आप देख पा रहे हो सारे चीज इसमें इसके अंदर लिखा है। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना शॉर्ट हो सके मैं वीडियो बनाने का, फिर भी यार वीडियो लॉन्ग ही हो जाता है क्योंकि एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, मैं ट्राई करता हूँ जितना शॉर्ट हो सके शॉर्ट में आपको इंपॉर्टेंट चीज देना। ठीक है, ये मेरा मेन मकसद है। हो गया। इसके बाद यार जो चीज इंपॉर्टेंट है आपका फैसिलिटी, इम्बाइबेशन, प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस, एंड इसके बाद रूट प्रेशर, एसेंट ऑफ सैप, इसके बाद यार एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन पूल एंड रूट प्रेशर, ये चीज से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको करना ही पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्वेश्चंस इसके अंदर से आईसीएसई ज्यादातर पूछते हैं। ये हो गया। इसके बाद नंबर 4 चैप्टर में आता है, या फिर नंबर 4 चैप्टर हम लोग का क्या है, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन एंड ऑस्मोसिस, ये दोनों चैप्टर से आपको इक्वली क्वेश्चंस आता है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर से आपको क्वेश्चंस इक्वली आता है। अगर आप सेक्शन बी में देखेंगे तो इस दोनों चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, मतलब कि मान लो कि अगर आप एक सेट पकड़ रहे हो तो वो कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर, अगर आप इस दोनों चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो सेशन बी में, तो ये दोनों चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसपीरेशन से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है तो आपको लोगों को बोलता हूँ, ट्रांसपीरेशन से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, स्टोमटल, क्यूटिक्यूलर, लेंटिक्यूलर, ये तीनों, व्हाट इज स्टोमटल ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन, दिस 3 ट्रांसपीरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 2 है कि मेकानिज्म ऑफ ट्रांसपीरेशन, स्टोमटल ट्रांसपीरेशन, मेकानिज्म ऑफ स्टोमटल ट्रांसपीरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यार डायग्राम कर लो, यार मैं डायग्राम का अलग सा वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बोलो कि भैया हम लोगों को डायग्राम का या फिर कौन कौन या फिर किस किस डायग्राम हम करेंगे, आप प्लीज थोड़ा हम लोगों को बता दो, आप लोग कमेंट्स करो, मैं उस डिस्क्रिप्शन में एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा डायग्राम के ऊपर, कौन कौन डायग्राम इंपॉर्टेंट है या फिर कौन कौन डायग्राम से क्या क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, मैं इसके बारे में एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, डोंट टेक टेंशन। ओके, ये हो गया। इसके बाद यार फोटोमीटर क्या है, प्रिकॉशन टेकन फॉर अ फोटोमीटर, फोटोमीटर जो कि यार जो मेजर करता है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये हो गया। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ फोटोमीटर, लिमिटेशन क्या है फोटोमीटर का, ये हो गया। इसके बाद कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का एक्सपेरिमेंट है, ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रेड हो जाएगा, मतलब कि यार अगर वाटर लगता है तो तब उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो ये तो इंपॉर्टेंट है कि आपको हर बार या फिर बहुत बड़े साल आईसीसी ऐसे क्वेश्चन पूछते थे या फिर पूछे हैं ऑलरेडी सेक्शन बी में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया। इसके बाद यार फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, क्या क्या फैक्टर जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद यार जो है कि यार सेल देखो सिक्स फैक्टर्स, वो सिक्स फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमिडिटी के लिए क्या होता है, टेम्परेचर के लिए क्या होता है, प्रेशर के लिए क्या होता है, ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हो गया भाई, बहुत गर्मी लग रहा है यार, ठीक है बहुत गर्म गर्म हो गया है। तो इसके बाद यार हो गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं तो ये बोल दिया ऑलरेडी, पिछली बार भी ऑलरेडी मैं बोल दिया। इसके बाद यार ट्रांसपोर्टेशन एंड गटेशन, व्हाट इज गटेशन, प्लांट से के लीफ से वाटर निकलता है, अब जानते ही हो आपको मेरे ख्याल से मालूम आ गया है व्हाट इज गटेशन, तो वो पढ़ लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यार नंबर फिफ्थ चैप्टर में हम आते हैं, यार वीडियो बहुत ही काफी लंबा हो रहा है, तो मैं अच्छा मैं ट्राई करूंगा एक सेकंड पार्ट में या फिर सेकंड में वीडियो बना दूंगा, जिधर मैं आपको बोल दूंगा ये सारे चीज। ऑल दो यार फोटोसिंथेसिस थोड़ा बहुत सुन लो, फोटोसिंथेसिस साइटोटर सिस्टम एंड एक्सक्रीशन, ऑल दो मैं इसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से आपको मिल जाएगा सारी चीज, ठीक है। तो यार फोटोसिंथेसिस क्या है, डेफिनेशन कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमा, मेटा मेकानिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, डार्क रिएक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड योर एडेप्टेशन ऑफ लीव्स बाय द फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन साइकिल। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो फोटोसिंथेसिस से इंपॉर्टेंट है, इतना सा कर लो, ये मेरे ख्याल से फोटोसिंथेसिस चैप्टर आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हो गया फोटोसिंथेसिस। इसके बाद आता है यार सर्कुलर ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम यार फुल्ली नोट्स देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, नोट्स अच्छे से देख लो, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से मिल जाएगा नोट्स से इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो नोट्स देख लो, मेरे ख्याल से ये चीज आपको अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद यार थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूँ डिफरेंस बिटवीन आर्टरी वेन एंड डिफरेंस बिटवीन वेन एंड कैपिलरीज, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ एंड सी द फुल नोट, बस नोट देख लो, सारे चीज उसमें दिया गया है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे चीज दिया गया है, आपको मिल जाएगा, चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या फिर ओपन करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट बोल रहा हूँ इस वीडियो में एसक्यूएल सिस्टम, क्योंकि मैं इससे बड़ा बड़ा वीडियो में नहीं करना चाहता हूँ यार, वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट से ज्यादा हो गया, 12 मिनट हो गया यार, देख सकते हो यार बहुत सारा टाइम हो गया। तो यार इसके बाद यार देखो एसक्यूएल सिस्टम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन डीटीसी, फंक्शन ऑफ किडनी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन कैसे कंपोज होता है, फॉर्मेशन, एक चीज है उस नोट में, एक अच्छे तरीके से चीज दिया गया है, और आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, दोस्तों आपको फुल्ली चीज अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यार पैसिव ऑफ यूरिन या फिर पैसेज ऑफ यूरिन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब की इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ये हो गया। एंड फेलियर ऑफ किडनी, ये यार ये कुछ चीज है, अगर आप देख पा रहे हो ये कुछ चीज आप कर लो, मेरे ख्याल से आपको ये सारा चीज हो जाएगा, और मैं इसको इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा, जिधर से आपको पूरा ये चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यार फिलहाल तो वीडियो में इतना ही यार, और इसके बाद में और भी जो चैप्टर्स है वो एंडोक्रिन ग्लैंड है, इसके बाद यार कुछ और भी कुछ चैप्टर्स है, मतलब कि यार जो इसके बाद जो चैप्टर है मैं उसको ट्राई करूंगा एक और एक वीडियो बनाने में, आप लोगों को चीजें बोल देने का, बट मैं अभी तो मेरा घर में नहीं हूं, तो यार थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को वीडियो बनाने में। फिलहाल तो मैं एक ऐसी जगह में हूँ जिधर मैं आपको थोड़ा बहुत बोल सकूँ, किसी बात कर सकूँ, तो मैंने कुछ चीजें बताया या फिर मैंने कुछ लास्ट मिनट सजेशन बना लिया इधर ही बैठ के, और मैं आपको चीजें बोल दिया हूँ। तो यार इतना प्रॉब्लम हुआ है बहुत सारी, तो थोड़ा सा लाइक तो बनता है यार, थोड़ा लाइक कर देना यार, और अगर कुछ भी क्वेश्चन रहता है आप लोगों मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जाकर पूछो, मैं ट्राई करूंगा उस आप लोगों का कॉमेंट्स का या फिर आपको सवालों का जवाब देने का। एंड अगर कोई चैप्टर से भी कोई पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में डिमांड किया था भाई HCl HNO3 या फिर भाई HCl मोल कॉन्सेप्ट, इसके बारे में एक अलग सा वीडियो बना दो, तो अगर आप लोग चाहते हो ऐसे कुछ मैं वीडियो बनाऊं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बोलो कि भैया मैंने आपका वीडियो लास्ट एंड तक देखा, आपको थोड़ा इस वीडियो में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है या फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज आप इसके बारे में एक वीडियो बना दो, तो मैं ट्राई करूंगा उसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो बना देने का। फिलहाल तो मैं अभी मेरे घर में नहीं हूं, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं चला जाऊंगा यार, दो दिन के अंदर ही मैं चला जाऊंगा मेरे घर, एक दिन के अंदर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। तो वीडियो फिलहाल तो वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जो स्पेशली ICSE स्टूडेंट है उन लोगों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।